लालमन भैया तर्ज दे रहा हूं, सुनिएगा। तेरी चुनरिया सर से वो धीरे 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 पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। क्या बात है, तेरी चुनरिया दिल ले गई। ये तो तर्ज की बात है, अब जरा मर्ज देखें क्या है। जिस समय असुरों के संहार के लिए माता रानी चली तो हुआ क्या, क्या होता है, क्रोध में चली आज माया है। संजय भैया, संजय भैया, क्रोध में चली आज माया है। पांव जो रण में जमाया है, जमाया है। आए, आए, क्या बात है भाई, वाह, ये बात। भैया 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 भैया, एक बार पुनः प्रधान जी के कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्रोध में चली आज माया है, माया है। पांव जो रण में जमाया है, जमाया है। पापी पतित ने आकर के, आकर के माता का बल अजमाया है, अजमाया है। क्या कहने, अच्छे माया है, जमाया है, आज माया है। ये बात, माता का बल आज माया है। धर्म कारण चली, मेट कारण चली, ना कि करने कारण, रण कारण चली। और जब माता युद्ध करने चली तो शिव जी का अंश चले आगे आगे, आगे आगे, और शिव का अवतंश चले पीछे पीछे, पीछे, पीछे। आगे आगे बजरंग बली और पीछे भाईरो, शेर सजाया है बीच में, शेर सजाया है बीच में, शेर सजाया है बीच में, शेर सजाया। गीत की विशेषता, आगे आगे पीछे पीछे और बीच में। भाई ये लल्लू पंजू मंडल नहीं है, पढ़ा लिखा है, गाना वही पड़ेगा जो बिल्कुल। सुनिए, शेर सजाया है बीच में, शेर सजाया है। एक प्रसंग और दे रहा हूं, जरा सुने। वनवासी वन वन को जाते हैं, जाते हैं। आदरणीय शरद सिंह जी आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है।
हमारे उत्तम भैया आपके कर कमलों से एक बार पुनः 50 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। आदरणीय श्रीवास्तव जी, ब्राइट लैंड कॉन्वेंट, बहुत ही सुंदर स्कूल जहां बच्चों का भविष्य संवारा जाता है, उसके प्रोप्राइटर हैं, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। सुनिए, पनवासी पन वन को जाते हैं, तीनों चले मुस्कुराते हैं। बबलू भैया, जिस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी वन को चले, परम आदरणीय विजय शुक्ला जी आपके कर कमलों से बड़े भैया है हमारे, 101 मुद्राएं प्राप्त है, धन्यवाद है। सुने बाबा जी लखपत बाबा, जब वनवासी वन वन को जाते हैं तो तीनों चले मुस्कुराते हैं, और भगवान क्या लीला दिखाते हैं, लक्ष्मण जी भाग्य अजमाते हैं, क्योंकि तुमरे भाग्य राम बन जाए। हमारे ये संत राम भैया जिनके कर कमलों से 151 मुद्राएं हैं, भवानी कल्याण करें, जय माता दी, जय माता। तो लक्ष्मण जी भाग्य अजमाते हैं, तो भगवान क्या लीला दिखाते हैं, आगे आगे प्रभु और पीछे पीछे लखन, आगे आगे प्रभु पीछे पीछे लखन, बीच में चल रही जानकी नत नमन, तो रघुवर जी चलते हैं बाएं बाएं, और लक्ष्मण जी चलते हैं दाएं दाएं, सिए राम पद अंक भराए, और लखन चले मग दाहिन पाए। अब देखिए पहले आगे पीछे और दूसरी विधा क्या है, तो रघुबर जी चलते हैं बाएं बाएं, और लक्ष्मण जी चलते हैं दाएं दाएं, माया की माया है बीच में, माया की माया। तीसरी विधा दे रहा हूं, प्रशांत भैया, कंस से कहने लगी देवकी, भैया बहन दुखियारी है, सोचो ये भी महतारी है, इस पर कृपा की नजर करिए, इस पे कृपा की नजर करिए, क्योंकि ये लल्ला नहीं सुकुमारी है। क्या बात है, ये लड़का नहीं है तो बेटी है, ये लल्ला नहीं सुकुमारी है। कंस ने क्या किया ध्यान में ना लिया, छीन ली है सुता पटक धरती पे दिया, और उसके बाद नीला नीला अंबर है ऊपर ऊपर, और क्रूर कंस कायर है नीचे। भाई नीला नीला अंबर है ऊपर ऊपर, और क्रूर कंस कायर है नीचे, लेकिन योग माया है बीच में, योग माया। ये हमारे यहाँ के पुजारी जी बैठे हैं, वो जानते होंगे। एक प्रसंग और दे रहा हूं, सुनिए। सर्वतो भद्र चक्र ये यज्ञ में बनाया जाता है, सर्वतो भद्र चक्र पाया है, देवों का मन हर साया है, यज्ञाधिक अनुष्ठानों में इसी चक्र को बस
इसी चक्र को बना बनाया है। पंडित जी लोग इसको बनाते हैं, इसको तैयार करते हैं। इसी चक्र को बस पंडितों ने बनाया है। तो देखिए, आवाहन करें और ध्यान विधि का धरे और मुख से भजे श्री हरे वा हरे। तो दक्षादि गणपत है आड़े 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 आड़े, सुनिए, दक्षादि गणपत है आड़े 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 आड़े। और स्वाधा स्वधा और मरुद गण तिरछे 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 आड़े आड़े तिरछे तिरछे। ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा की काया है बीच में, मेहनत होती है तो ताली कहनी नहीं पड़ती है। अगर मजा आवा है तो पैसा दे दो। तो 101 मुद्राएं हमारे संजय भैया आपके कर कमलों से, और हमारे हरीश भैया, हरीश द्विवेदी, द्विवेदी मेडिकल स्टोर, आपके भी कर कमलों से 101 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लालवन भैया। हम इस सीटी पीटी के आदि हैं, बजा करें अपने। ओका सीटी तो स्टेशन पे बसती ही रहती है। और सुबह स्कूल में पीटी होती भी है और सीटी पीटी गुम हो जाती है। आइए अब इस गीत के साथ एक छोटी सी चटनी, क्योंकि कटपीस का दौर अब प्रारंभ हो गया है। छोटी सी बात, धनिया महंगा है भैया। गीत बजा। कौन था? मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, उर्फ लखपत बाबा, राजेश कुमार मिश्रा, बंदे ट्रेडर्स, पंकज भारती प्रॉपर्टी डीलर, आशु श्रीवास्तव प्रॉपर्टी डीलर, संदीप गुप्ता जी जनक ट्रेडर्स, नीरज मिश्रा एडवोकेट, वकील साहब वीरेंद्र कुमार भारती सिटकीवा, सनी चौरसिया जी और साकेत पांडे जी, सत्यकेत पांडे जी, गंगाधर गुप्ता जी, गिरधर भैया, सबकी ओर से यह सामूहिक पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर तो कर दूं सब कुछ कुर्बान रे। ओ मेरी नाजुक कली, ओ मेरी नाजुक कली, ओ मेरी नाजुक कली, मैं तेरी ला दूं पाजे बुरा जी बोल जा। मैं तुझको ला दूं पाजे तू राजी बोल जा, राजी बोल जा, राजी बोल जा, ओ राजी बोल जा। अब आइए, ये तो रही तर्ज। हाँ।
बाद 14 बरस जब लौट आए राम जी, राम जी अवध का ताज देखो पाए हैं श्री राम जी। हे हर्ष का समय था तो भेंट सबको है मिली, मोतियों का हार सुंदर पाए हैं बजरंग बली। हार ले हाथों में जिसे तोड़ दीना देख है, राम ना दिखे तो हार दीना फेंक है। अब तब विभीषण ने ताना मारा है, ताना मार दे सभा में व्यंग कसते, क्या सीने में तेरे राम है। ये बात ऐसे है, विभीषण ने ताना मारा, क्या तेरे सीने में राम है। हनुमान जी ने क्या किया, सीना सभा में फाड़े तत्क्षण अभिराम है। पदम भैया लाइन को समझिएगा, सीना सभा में फाड़े तत्क्षण अभिराम है। सबकी हंसी पर उस क्षण लग गया विराम है। चार शब्द हैं भैया, कीर्तन के मर्म को समझिए, कीर्तन के मर्म को समझिए। आवी राम अविराम, ये बात। जब ताना मारा गया, हनुमान जी ने सीना फाड़ा, आविराम तुरंत जियो। सीना सभा में फाड़े तत्क्षण अविराम है। ये चार शब्द हैं अविराम, एक कम कीजिए। अरे सबकी हंसी पर देखो लग गया विराम है। हो सीना फाड़ के, अरे सीना फाड़ के दिखाए छवि बाकी, अंदर भी वही राम है। ये है मर्च भैया, इसको कहते हैं गाना बजाना। अब आया दो शब्द, अविराम विराम और राम। ए, हे, हे, है कोई, सीना सभा में फाड़े तत्क्षण अविराम है। सबकी हंसी पर उस क्षण लग गया विराम। ओ सीना फाड़ के दिखाए छवि बाकी, अंदर भी वही राम है। और झंडा गाड़ के दिखाए वही झांकी, बाहर भी सिया राम है। बाहर भी सिया राम है, सिया राम है, सिया राम है, सिया राम है। बहुत ही बेहतरीन कलाकार हमारे भैया राम प्रसाद चौबे जी, आपके करकमलों से 101 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बच्चे सीना फाड़ के दिखाए छवि बाकी, अंदर भी वही राम है। एक बार प्रेम सुने रामचंद्र की, बहुत 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 धन्यवाद है। और देखिए, अगर हमारी या हमारे बड़े भैया की कोई बात आपको अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाइए, पैसा दीजिए या ना दीजिए। हाँ, ये है, पैसा तो बात की बात है, लेकिन टानिंग मिलना चाहिए। हमारे परम आदरणीय पिता तुल्य श्री रामकरण पांडे जी, आपके करकमलों से एक बार पुनः 51 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं,
मैं अपने लिए आशीर्वाद की कामना करता हूं। और एक बार पुनः आपके समक्ष हमारे कानपुर महानगर के बड़े भैया श्री लालमन चंचल जी आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमको मेडिकल स्टोर बताओगे जो MBBS हो? और क्या, तुम्हारे जैसे लड़कों के एक कैप्सूल दे देता हूँ, जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाते। गुजरते लम्हों में ये सदिया तलाश करता हूँ, प्यास इतनी है नदियाँ तलाश करता हूँ, गुजरते लम्हों में सदियाँ तलाश करता हूँ, अरे प्यास इतनी है कि नदियाँ तलाश करता हूँ। अरे मेरे गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, अरे प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूँ। यहाँ आकर लोग गिनाते हैं अपनी खूबियां, लेकिन लाल मन मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। कौशल जी कह रहे थे, समझो अभी एक कौशल जी के वक्तव्य था, लल्लू पंजू का मंडल नहीं है। ओहो, ये तो हमें मालूम है कितना बड़ा मंडल है। अपने मुंह से अपनी तारीफ। हाँ कौशल जी, बातों से जवाबी नहीं होती है। दो दो रचनाकार आपके मंच में हैं, लेकिन दोनों जीरो में आउट हो गए। क्या लाया जवाब में? गाना था, इसका वॉल्यूम कम करो, हारमोनियम का कम करो, उसका वॉल्यूम हमारे में डाल दो और कम करो, और इसका माल इसमें सप्लाई मारो। ये हेलो, मैंने कहा था मेरे मन की बात भी जानो, जानो सबके मन की। क्या लिखा है तुम्हारे राइटरों ने? हाँ, बताओ। यही रामगढ़ की रक्षा के लिए लाए हो? इनको लाए हो? मेला कब लगेगा? मेरे मन की बात भी जानो और जानो सबके मन की, मन मंदिर में मैंने बिठा ली सूरत चिल साजन की। पहले रास्ता काट देता हूँ। हाँ। तुम्हारी ताकत क्या लाओगे? हाँ, क्या लाओगे? मन की बंदिश मैंने काट दी आपको, अब फिर मैंने कहा था कि दिल से दिल को मिला दो महारानी, वो मेरे दिल के राजा और मैं उनके दिल की रानी। क्या बात करो, क्या बात। आपका जवाब आया है। हाँ। और इतना बढ़िया जवाब आया है, वाह लाजवाब। हाँ, कह रहे थे लालमन भैया जवाब दे रहा हूँ, हमने कहा लाएंगे कुछ ना कुछ जवाब। okay. तो कह रहे थे मन की मीत है, मन का मीत है, मन में भी राजा और तू उनके मन की रानी, वो तेरे मन का राजा। कान खोल के सुन लीजिए कौशल राज जी, ये मंडल लालमन का है। हाँ, तुम तुम्हारा लल्लू पंजू का मंडल नहीं है, लेकिन ये लालमन का मंडल है। कारण मेरी बात पहले सुना करिए, तो अपने रचनाकारों के लिए जवाब लिखिए। मैंने बात कही थी माता प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद माता गौरी ने माता जानकी को वरदान दे दिया। क्या? अरे बने दशरथ की तू बहू रानी, अरे बने दशरथ की तू बहू रानी, वो तेरे दिल का राजा और तू उसके दिल की रानी हो। ये आप बताओ तबीयत कैसी है? ये बात नहीं सुनी थी? ये नहीं सुनी है? तीन तीन राइटर बैठा रहे हो, हमारे लेखक की फोटो खींचना चाहते हैं इस उम्र में, और कह रहे हैं एक लाइन और सुन लीजिए, चूंकि ये सम्मानी श्री लखपत
बाबा प्रधान जी आपकी तरफ से एक से एक पुत्र आए हैं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ और यहाँ के जनमानस को प्रणाम कर रहा हूँ। कौशल जी, एक लाइन आपके रचनाकारों ने और लिखी है, लिखी है, मन की आस में जो वो ही महाराजा। भगवान राम महाराजा थे, बताओ बताओ। जब राज तिलक नहीं हुआ प्रधान जी, जब राज तिलक नहीं हुआ तो कैसे महाराजा हो? बोलते बहुत हो, काम चार आने का नहीं, नाम मेरा भी लिख लो। और एक लाइन आए, मन मस्जिद में आके बैठे। अच्छा, मन और मस्जिद। सागर जी देख लीजिए, क्या बात है, आप तो गुरु हैं। सबसे बढ़िया तो दादा जो यहाँ बैठे हैं। अरे अरे, गोड्डा जनपद के गुरु हैं, इन कीर्तनकारों के जन्मदाता सागर जी बैठे हैं। एक लाइन ये कह रहे हैं कि मन मस्जिद में आके बैठे, मन मस्जिद में। वाह, अरे कोई बात नहीं, कोई तेरे ऊपर मुकदमा नहीं कायम करेंगे। सबसे गलती, परेशान ना, गलती सबसे हो जाती है। और मन के आंगन में तीन देवर राजा। अच्छा, वो तीनों बैठे। वाह, मन के आंगन में। लेख, वाह, ये देखो रचनाकार, जय हो, और ये देखो गवैया। वाह, एक शेर नहीं बढ़वा रहे लेकिन हाँ। परसरामी करेंगे तो फरसा लेके जुटो कहूँ, तुम्हारे बस का जवाबी कीर्तन नहीं है। नहीं है, अगर मजबूत बेल्ट लगाई जाए तो बार बार हाथ ना लगाना पड़े। अरे मेरे जिगर का छल्ला, तू मेरी जान रे, अनुशासित मंडल है भाई साहब, इतना अनुशासित मंडल है, कह रहे माटी डालो गुरु, केखे डरियो माटी। कह रहे माटी डालो गुरु, और फिर एक एक झीका झीक रहे, मरे जा रहे हैं झीके झीके। और कह रहे अरे खाए पिए दे, मैं तेरे जैसे लंबे मेरे आग छक चौकीदारी करके खाते पीते हैं, हमको खिलाओ पिलाओगे? पहले बाड़ी में संयम रख के लालमन मंडल से जवाबी लड़ा करो, जब लालमन की औकात के हो जाना तब बोलना। क्यों जी का झीक रहे, बस वही रहो, जब हमारे बराबर खड़े हो ना तब बात करना। कौशल हमसे कोई भी बात कह सकते हैं, मैं स्वीकार करूंगा, मेरा छोटा भाई है, मेरा प्रतिद्वंदी है, मेरे बराबर का कलाकार है, और क्या। लेकिन तुम कहाँ पड़े पड़े मर रहे, जी का बजा रहे हो, कहीं खाए पिए दे। दिन भर माटी डालो, रात में भी माटी डालो। पूरा जेसीबी हो ही रहे हो, ऐसी बानी बोलिए कि रोजा झगड़ा हो, और उसे बेटा झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा हो। लाल मन है, होश से बात करना, बिल्कुल कायदे में। अरे मेरे जिगर का छल्ला, तो मेरी जान रे, तुझ पे मैं कर दूं सारी दुनिया कुर्बान। गाना आया है, बहुत तगड़ा गाना आया है, हम लोग घबरा गए, कैसा न हो ये गाने का जवाब न दे पाए। ऐसी उम्र में ऐसे गाने गाने नहीं चाहिए। नादान जी का गाना काट के अब तुम लालमन के सामने रख रहे हो, ये हो रहा आजकल। नादान जी के गाने काट काट के मेरे सामने रख रहे हो। अरे नादान किंकर ने बेटा मुझसे आज के 20 साल पहले ये गाना गाया था, अभिराम अभिराम विराम राम, लेकिन वो तर्ज बदली थी, मामला पकड़ा गया। हे ताना मार दे, अब तुमने नकल की है, लेकिन गुरु
नकल फेल, फेल है, फेल, लालमन की गारंटी फेल। ओका क्यों ताना मार दे सभा में व्यंग कस के, क्यों सीने में तेरे राम है। ए ये सीना सभा में फाड़ा फाड़े तक्षण विराम है, सबकी हंसी पर उसमें लग गया विराम है, और सीना फाड़ के दिखाए छवि बाकी अंदर भी वही राम है, वही राम है, वही। तुम पागल राम नहीं है, अरे अंदर भी जब सीना फाड़ा तो सीता राम है। और क्या, धन्यवाद है, अकेले राम नहीं है, सीता राम, सीता राम है। दिवाकर भैया अब गलती हो गई है, कोई बात नहीं, अब तुम परेशान ना हो, पूरा मंडल गुल्ली डंडा खेल रहा है। लेखक की शादी के टाइम की फोटो दे देंगे आपको। ये हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। ऐसे ये हमारे आदरणीय भाई साहब की तरफ से आशीर्वाद मिला है, एक से एक पद मुद्राओं का मैं सादर आपको प्रणाम कर रहा हूँ। श्री सिद्धेश्वर नाथ मंदिर कमेटी महंत श्री कृष्णदास जी, राम प्रकाश भारती उर्फ लखपत बाबा, श्री राजेश कुमार जी मिश्र वंदे ट्रेडर्स, पंकज भारती प्रॉपर्टी डीलर, आशु श्रीवास्तव प्रॉपर्टी डीलर, संदीप गुप्ता जनक ट्रेडर्स, नीरज मिश्रा एडवोकेट, वीरेंद्र कुमार जी भारती, सनी चौरसिया, सत्केत पांडे, गंगाधर गुप्ता गिरधर जी, पप्पू खोया भंडार प्रतिष्ठा, मेरे जगर का छिल्ला तू मेरी जान है। और इस टीम की तरफ से सिद्धेश्वर नाथ कमेटी की तरफ से 1100 पत्र मुद्राएं हैं, हमारे पप्पू खोया भंडार की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा। बाबूजी जवाब सुनिए, अब पहली बात तो ये कि हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, होती है। आपके रचनाकार ने नादान जी का गाना तो कर दिया, लेकिन उसको ये कल नहीं आई कि सीने में सिर्फ राम नहीं है, नहीं है, सीता राम है, दोनों हैं। अब इसमें सुधार कर लेना, सुधार करिए या तो दूसरा लेखक रखिए। शिवानंद भाई अभी खाली है। मंजल का वजन बढ़ गया थोड़ा। तेयो सर सुन सिउदन बांगा, आए भृग कुल कमल पतंगा। एक आधार ले रहा हूं भाई, तो आपने कहा कि अभिराम विराम और फिर राम। चलिए सम्मान करता हूं, और यहाँ के गोंडा जनपद को मैं प्रणाम करते हुए, भैया धनुष यज्ञ में जब ते अवसर सुन शिव धन भंगा, आए भृकुल कमल पतंगा, तो लिखना पड़ा कि आए जब परशुराम तो मचा को राम है। जियो बेटे जियो। परशुराम ने कहा कि नत मारे जय हैं सब राजा, जवाब के तहखाने में जाने की ताकत रखो तब बात किया करो। जवाब के नाम पे जीरो और सवाल के नाम पे हीरो। हमने मन की बंदिश दी और दिल की बंदिश दी, तुम्हारे रचनाकारों के पास कोई बंदिश नहीं है। इनको राजकमल भैया बुलाया है वहां से रामनगर से, लाल कपड़ा पहनिए, कोई रचनाकार थोड़ी ना हो जाए। और क्या,
हाँ, और लालमन को कोई चैलेंज नहीं दे सकता है। हाँ। और जो चैलेंज देता है उसका चैलेंज स्वीकार करने की क्वालिटी रखता हूँ। बिल्कुल, और क्या, अभी बच्चे हो, अभी बच्चे हो और बड़े हिसाब से गाइए बजाइए। हाँ। क्यों आए जब परशुराम मचा को हराम है, सारे भयभीत मन ना पाए आराम है। अभिराम चार अक्षर, कोहराम चार अक्षर, आराम तीन अक्षर। क्या बात, लिख लो, नोट करिए, लिख लो बेटा, फिर हमसे न कहना। आए जब परशुराम मचा कोहराम है, सारे भयभीत मन ना पाए आराम। हो धनुआ तोड़ के, हो धनुआ तोड़ के, सिया का वरण करके, पुलकित मन में वो राम है। क्या बात, दो अक्षर, अकेले राम। राम, भगवान राम ने धनुष का खंडन किया तो राम। अब ए धनुआ तोड़ के, सिया का वरण करके, पुलकित मन में वो राम है। और नाता जोड़ के, हे नाता जोड़ के, फिल्मी गाया करो, कुछ तमीज भी लगाया करो, थोड़ा गाने बजाना सीखा करो, के वकालत के चक्कर में पड़े रहते हो। या तो गाओ, तो लंगोटा कस के गाओ, नहीं बंद करते। अरे सब्बीर मर गए, तुमका सब दही तो गए हैं, कलीम का दही गए, उनके छोटे भाई का दही गए, उनका खूब लेके गाओ। लेकिन अरे नाता जोड़ के, नाता जोड़ के, भार्गव का मन हर के, पुलकित मन में वो राम है। इसमें लिखा है, मारवर मानवर बताने का कष्ट करें कि दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था। सवाल बहुत तगड़ा है भाई साहब। ये जो पर्चा लाए हैं भाई साहब, इसमें कुछ खर्चा लगाया जाए। तब फाइल आगे बढ़ेगी। जब तक खर्चा नहीं तब तक चर्चा नहीं ना। ये पर्चा अपन तेज समारोह आप है। ये फाइल यही रखी रही। अरे ये जागेश्वर बाबा की तरफ से, दादा दादा बैठिए आप, ये 200 पत्र मुद्राएं आई हैं। और ये उत्तम भैया हैं, कह रहे हैं हम सहीकर पैसा दे दिए। अति उत्तम, अति उत्तम। तो आप भगवान राम को महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मान के अपनी एक फाइल को बंद कर दीजिए। ये मामला क्लोज। और सर के जो सर से वो धीरे धीरे, अब अगर गलत है तो हमको नहीं मालूम, अगर गलत है कि भगवान राम महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र नहीं है तो फिर हमको नहीं मालूम। हाँ, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अच्छा, वाह विशा, ये आपकी बात दमदार है, हम आपकी बात से सहमत हो। बिल्कुल,
हमारे सम्मानित प्रधान जी की तरफ से, पांडे जी की तरफ से ये पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर इस पे चर्चा की जाएगी तो एक रात नहीं दसियों रात गुजर जाएगी, शंका का समाधान नहीं हो पाएगा। आप विभीषण की बात करते हो, हम कह रहे हैं हनुमान जी भी भगवान राम के ही भाई है। और आओ, बहुत किताबें और चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये भी तो कहा गया, वो भी बड़े और क्या, वो तो और बड़े। अगर और कहो, और किताब निकाली जाए, कृतिवास रामायण अगर निकाली जाएगी तो गुरुवर वो अलग बात करेगी, काम रामायण से बात की जाएगी अलग बात करेगी, बिलंका रामायण से बात की जाएगी वो अलग बात करेगी, वाल्मीकि रामायण से बात की जाएगी अलग बात करेगी, श्री रामचरित मानस से बात की जाएगी, तो भगवान राम के अलावा कोई ज्येष्ठ पुत्र नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इतना हल्के में न ले, हम गोंडा है तो क्या हुआ है? हम लालमन है, तहखाने में हाथ डालते हैं तो जी भर के डाल लेते हैं। बिल्कुल। सर के जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल दे गई, तेरी चुनरिया आगे। फिर पीछे पीछे बीच में शेर को सजा दिया, फिर भगवान राम दाएं दाएं, लक्ष्मण बाएं बाएं, माता जानकी बीच में आ गए, फिर ऊपर आसमान है, नीचे कंस है, बीच में योग माया है। ये गलत हो गया। अब इसको तुम जानो क्यों गलत हो गया, इतनी बात कही है गलत हो गई। हाँ, हमने लाल कलम चला दी, लाल कलम इसमें चल गई, लाल मन की तो चल गई। अब जब ना समझ में आवे तो फिर दूसरे चक्र में पूछना गलत क्यों तो बता दें। आइए, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़े तिरछे, चारों बातें इनकी लाया हूँ। और प्रधान जी सुनिए, आड़े तिरछे और क्या, कौशल आजकल बहुत बढ़िया गा रहे हो। आओ का एक शेर पढ़ने का मन हो गया, पढ़ो गुरु पढ़ो, सुनिए। कहीं दादा कहीं मीरा और कहीं घनश्याम मिलते ये दर्द पैदा करो और क्या, इतनी रियाज होनी चाहिए। कहीं राधा कहीं मीरा कहीं घनश्याम मिलते हैं, पवन पुत्र के सीने में सदा सियाराम मिलते हैं। अरे कहीं राधा, अरे कहीं मीरा, कहीं घनश्याम मिलते हैं, अरे पवन पुत्र के सीने में वो सीताराम मिलते हैं। स्वर्ग की राह ढूंढने वालों, अरे स्वर्ग की राह ढूंढने वालों, अरे दुआ माँ बाप की ले लो, जहाँ पे चारों धाम मिलते हैं। बज रही कि नहीं बज रही, बज रही है? हाँ, अब और ढंग से बजवा दे। अब एक गाना इनका आया है, आगे आगे पीछे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे आड़े तिरछे, आड़े तिरछे। अरे वारे तो। प्रशांत भैया बैठे हो, और शूल अपने हाथों में धारे गए, Oh, 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 oh
पूरी रामायण छान ले जो लालमन कह गया सो कह गया लालमन कभी वापस नहीं लेता है ना। अब जवाब सुनिए मान्यवर। जब राजा दक्ष कायक विध्वंस करने पीरभद्र चले और जब पीरभद्र चले तब अरे शूल अपने हाथों में धारे हैं दक्ष यज्ञ में जो पधारे हैं सुनिए अभिमान उनका मिटाने को अभिमान उनका मिटाने को बहा बहाते लहू के वो धारे हैं आज्ञाकारी चले आज्ञाकारी चले निर्विकारी चले गुणकारी चले शूलधारी चले और जब चले तो पीरभद्र चलते हैं आगे आगे अरे पीरभद्र चलते हैं आगे 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 शिवगण है चलते यो पीछे पीछे आगे आगे पीरभद्र और पीछे शिवगण देख लेना भैया उठा के जवाब ऐसे लाया जाता है। लालमन ने मन की बंदिश काटी और दिल से सवाल गा दिया आप मन का जवाब दे रहे हो क्या मतलब है इसका और कहीं से लाओ okay. तो कह रहा हूं अरे पीरभद्र चलते हैं आगे आगे शिवगण चलते हैं पीछे 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 तो भद्रकाली है बीच में भद्रकाली है बीच में भाई साहब भद्रकाली है बीच में आगे चल गया छोटे भाई कौशल जी मिले हनुमान से रघुनायक है जब हनुमान जी भगवान राम लक्ष्मण को लेके सुग्रीव के यहाँ के लिए चले और जब चले तो जवाब ला रहा हूं क्या मिले हनुमान से रघुनायक है हनुमान रघुबर के पायक हैं ये पदम की कलम है हिलाए नहीं ले और अरे भक्त प्रभु राम के वो लायक हैं भक्त प्रभु राम के वो लायक हैं सदा रघुनाथ के सहायक हैं गदाधारी चले पलधारी चले लेकर राम लखन को गदाधारी चले अब कैसे चले देखो एक प्रश्न का जवाब हमने दे दिया है अब फिर एक पर्चा आ गया भैया हम इतने विद्वान नहीं है मालिक हाँ इसीलिए जवाब नहीं देते हम इतने विद्वान होते तो हम कीर्तन गाते गली गली ना घूमते कहीं बढ़िया आश्रम में पूज रहे होते लगाए के चंदन बाटा और रुपया खूब भरा होता मेरे घरे तो कृपया पर्चा भेजने की कृपा न करें आपका एक पर्चा आया ब्रह्मा कब घोड़ा बने सवाल करता भी जबरदस्त है तीसरा मंडल तैयार है अब सवालकर्ता ने लिखा क्या है ब्रह्मा कब लगाम बने विष्णु ब्रह्मा कब घोड़ा बने विष्णु कब लगाम बने लक्ष्मी कब सारथी बनी अब कहां संग्राम हुआ
यह बात बड़ी जबरदस्त है। अब यो नहीं मालूम है किसे संग्राम हुआ, लिख तो दियो संग्राम हुआ। तो ये 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। ये विद्वान जितने बैठे हैं गोंडा के, कृपया मैं आप सबके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि पर्चा भेजने की कृपा न करिए। अगर पर्चा भेजना है तो अपने गोंडा वालों से पूछिए। और क्या, हम इतने योग्य नहीं है। सही है का। कि भगवान ब्रह्मा कब घोड़ा बने, अब विष्णु कब लगाम बने, और लक्ष्मी कब सारथी बनी, अब संग्राम हुआ। हम लोग एक मंडल से जवाबी करने आए, 3-3 मंडल से नहीं। और क्या। हाँ, एक चीज जो छोड़ दिया कि भगवान ब्रह्मा घोड़ा बने, आओ विष्णु जी लगाम बने, आओ लक्ष्मी जी सारथी बनी, तो खड़खड़ा कैसे बना। अरे सवाल तो क्या, ये भी तो है। आगे बढ़ गया तो कह रहा हूं, अरे गदा धारी चले बल धारी चले, लेकर राम लखन को गदा धारी चले, तो भैया अरे रामचंद्र बैठे हैं दाएं दाएं, अगर लगे जवाब है तो आशीर्वाद दीजिए। आप कंधे पे हनुमान जी महाराज के, सुग्रीव के यहाँ जा रहे हैं, और हनुमान जी महाराज, अरे रामचंद्र बैठे हैं दाएं 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 दाएं, अरे लखन लाल बैठे हैं बाएं बाएं बाएं, हनुमान जी हैं बीच में। जय हो जय हो। देखो बजी कहो, बजी बजी कि ना बजी, हिम्मत से काम लो, दाता का नाम लो, मूंगफली 100 ग्राम लो, तुम चबाओ हम चबाई। तो कह रहा हूं, हर रामचंद्र बैठे हैं दाएं दाएं लखन लाल बैठे हैं बाएं बाएं हनुमान जी हैं बीच में, सोच के गया था लालमन जवाब नहीं दे पाए। ऐसे गानों का हम लोग नाश्ता करते हैं। okay. और इससे बड़ा अस्त्र उसको फेंक के देखना। okay. सीधे फेंको ब्रह्मास्त्र। अब एक गाना दे दिया तो गुल्ली डंडा के अलावा कोई रास्ते ना बचे, चुप पे गा ले और निकल ले। राजकमल दादा तो ऑनलाइन खेल रहे। वसुदेव गोकुल को चलते हैं चलते हैं, देखो कौशल तुम बहुत अच्छे भाई हो, इसमें कोई दोरा नहीं। ये आपको बर्बाद करने वाले आपके मंडल के लोग। हाँ, मंडल का वजन ज्यादा, जिनको बोलो कि ये गल नहीं, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, नहीं है। एक नंबर के कलाकार हो। हाँ। आज नहीं, हमारी आपकी जवाबी आज के 15 साल पहले भी हुई है। हाँ। और तुम वही कौशल हो, और ये क्यों भूलते हम बंद कर देंगे। अरे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक गाएंगे, और जब तक बुलाए जाएंगे तब तक गाएंगे। बिल्कुल, अब गाना चाहिए, अब गाओ, ये मेरा सजेशन है, गाइए। और क्या, और जो मदद कहोगे लालमन देने के लिए तैयार है। क्या बात है, क्या बात है। और इतना नहीं भाई हो, मैं तुमसे 10 कार्यक्रम हारने को तैयार ये। आओ तो बाजार में है कोई ऐसा कहने वाला या करने वाला। सुनो जवाब, पहले आगे आगे, पीछे पीछे, फिर बीच में, फिर दाएं बाएं, फिर बीच में। अब देखना बीच में। वसुदेव गोकुल को चलते हैं बरसात में वो निकलते हैं, बरसात में वो निकलते हैं, बरसात में वो निकलते हैं। मैया देवकी ने कहा इस लाल को बचा लो, वसुदेव ने कहा बरसात हो रही है, कहा बरसात हो रही है लेकिन स्वामी इनको बचा लो। फिर
और सर पे उठाए कन्हैया को, अरे सर पे उठाए कन्हैया को, लेख नहीं ईश्वर के टलते हैं, जग के पालक धरे कंस खालक धरे, अपने ही शीश पर अपना बालक धरे। लाइन अच्छी लग रही होगी, क्या बात, बस इतनी कृपा बनाए रखी है। हो हम भी गोंडे के हैं, चक्कर मत लेना कि यही गोंडा के, हमारी भी जन्मभूमि गोंडे है। हम भले कानपुर में रहने लगे हो लेकिन जमीन जायदाद तो हमारी गोंडे में है। चक्कर में आप लोग ना बतना यही गोंडा के अकेले गोंडा के हम भी हैं। कहो तो बैनामा दिखा दे भाई, बस ये गोंडा प्रॉपर के हम कर्नलगंज के हैं, फर्क इतना है। लेखक जी अभी से लिखने लगे। तो कह रहा हूं जग के पालक धरे कन्हैया को, ये वसुदेव जी, और जग के पालक धरे कंस खालक धरे, अपने ही शीश पे अपना पालक धरे, तो सुनना जवाब। सम्मानी हमारे प्रमोद बाबा जी, आपके तरफ से 101 पत्र मुद्रा आई है, नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। हमारे पाणे जी कहां चले गए? पाणे जी आइए, धन्यवाद है। हमने कहा ऐसा ना हो घर चले जाए आप, इसलिए आपकी याद आ गई। तो देव की नंदन है ऊपर 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 सूप के ऊपर, देव की नंदन है ऊपर 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 ऊपर, यमुना महारानी है नीचे नीचे, देव की नंदन है ऊपर 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 ऊपर, यमुना महारानी है नीचे नीचे नीचे, वसुदेव जी है बीच में, वसुदेव जी जवाब। अब ज्यादा देर, अब जब कुतर करोगे तब बताएंगे तुमको। हाँ, जब तुम लाओगे कि नहीं 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 बस 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 डॉट डॉट, तब हम बताएंगे तुमको। जी नहीं पांडे जी, मैं बाज नहीं सकता हूँ ना, कन्हैया है ऊपर ऊपर सूप में, वसुदेव अपने सिर में सूप रखे हैं, कन्हैया उस सूप में पड़े हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, मैं उस छाया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको किनारे कर रहा हूँ, उस बात पे मैं चर्चे नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझको नीचे ऊपर लाना है, इसलिए मैं उनकी शेषनाग की छाया को थोड़ी ना बताऊंगा। अब इसके ऊपर तो आसमान है, देखो हमने कह दिया योग माया गलत है तो गलत है, गलत है हाँ, हमने कह दिया योग माया गलत है तो गलत है, और कौशल मैं सिद्ध कर दूंगा, तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे। मैंने कह दिया कि कन्हैया जी ऊपर ऊपर, यमुना महारानी नीचे नीचे, वसुदेव जी हैं बीच में, ये कह दिया तो कह दिया। नहीं, ये सूप का मतलब नहीं है, नहीं, ये वस्तु है, मैं करता और कर्ता की बात मैं कर रहा हूँ। अब सूप में अगर हम बात जाएंगे तो हम एक बात और कह देंगे कि वसुदेव जी के शरीर में कपड़े भी होंगे, वो कहाँ जाएंगे? फिर आप बात जाएंगे कन्हैया के शरीर में भी कुछ कपड़े होंगे, सूप में कुछ डोरा से बना होगा, ये भी चर्चा में आ जाएगा। कोई दूसरा सूप लाइए जी, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ,